हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं मटन की रेसिपी, सूखा मटन की रेसिपी जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसे रोटी या फिर चावल किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मटन पसंद है या फिर नॉनवेज पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे बिना झंझट के, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, अन्नू की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन, सूखा मटन। इसके लिए हमने 400 ग्राम मटन लिए हैं। हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिए हैं मटन को। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, कटी हुई प्याज। ये हमने 400 ग्राम लिए हैं प्याज, इन्हें हम डाल देते हैं मटन में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले के लिए हम डालेंगे पहले नमक स्वाद अनुसार, हम 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, इस तरह से मसल मसल के पूरे मसाले को हम मटन में अच्छे से लगाएंगे। इस तरह से मसलते हुए हम इन्हें लगातार 5 मिनट तक इसी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से मटन में लग जाए और हमारा प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इस बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्क्रिप करके ना देखें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ऐसे ही मिक्स करते हुए 5 मिनट हो चुका है हमारा। देखिए, हमारा मटन में अच्छे से मसाले लग गए हैं और हमारा प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है हल्का सा। हमने लिया है यहाँ पर एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल 3 चम्मच के करीब में। अब हम इसी के साथ, हम जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा। जीरा को थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटन जो हमने तैयार किए थे मसालों वाली, वो हम मटन डाल देंगे। सारे मटन डालने के बाद हम एक बार चला लेंगे अच्छे से, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। हमारा मटन जैसे ही भुनना स्टार्ट होगा, इसमें बहुत सारा पानी छूट जाएगा, छूटने लगेगा इसमें, उसी से हमारा मटन अच्छे से पक पाएगा। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसी में हम अपना मटन को अच्छे से पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। उसके बाद चलाने के बाद हम इनको एक प्लेट से ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं चलाना है, हमें इन्हें आराम से पकने देना है। देखिए, हम इस तरह से बीच बीच में चला लेते हैं, इस तरह से चेक कर लेते हैं कि हमारा मटन कितना तक पका है। देखिए, इसमें कितना सारा पानी छूट गया है। चलाने के बाद हम फिर से ढक देंगे, हम इन्हें आराम से पकने देंगे ताकि हमारा मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, हमारा प्याज भी अच्छे से गल जाए। देखिए कितना सारा पानी छूट गया है। अब धीरे धीरे हमारा अब प्याज गलना स्टार्ट हो गया है और हमारा मटन भी इसी तरह अच्छे से पक जाएगा। एक बार आज अच्छे से चला लेते हैं। देखिए, चलाने के बाद हम फिर से ढक देंगे, इन्हें हम ढक ढक कर पकाएंगे। देखिए, हमारा मटन कुछ हद तक पक चुका है। देखिए, सारा पानी सूख गया है इसका और प्याज भी हमारा लगभग गल गया है। बस हम इन्हें थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। लगभग पक चुका है हमारा मटन, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कढ़ाई में बना रहे हैं, तो कढ़ाई में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। अब देखिए, अब पूरी तरह हमारा मटन बनके तैयार है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता कटी हुई,
उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची, इन्हें हमने पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दिए थे। इसे डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही अच्छा खुशबू रहता है इसमें। एक बार हम और अच्छे से चला लेते हैं। बस अब हम 2-3 मिनट के लिए ही बस इन्हें बुनेंगे इस तरह से खुले में, अब हम इन्हें नहीं ढकेंगे। हमारा मटन अच्छे से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। देखिए हमने 2-3 मिनट के लिए हमने इन्हें इसी तरह से बुन लिए हैं खुले में। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर हमारे इस टिप्स को फॉलो करके इस रेसिपी को ट्राई करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।